दोस्तों, ये जो खबर है ये खबर उस खबर से संबंधित है जिसमें मोदी सरकार ने केंद्रीय 10 केंद्रीय एजेंसियों को ये अधिकार दिया है कि वो भारत में जो भी कंप्यूटर डेटा है उन पे जो है निगरानी रखें। सो ये खबर जो है, ये जो फैसला है ये मोदी सरकार ने लिया है, लेकिन ये कानून आज का नहीं है, ये कानून पहले का है। पहले के क्योंकि मनमोहन सरकार में भी ऐसा काम हो चुका था। तो मनमोहन सरकार ने हर महीने 9,000 फोन कॉल्स और 500 ईमेल पर रखती थी नज़र। ठीक है, ये एक RTI दाखिल की गई थी उसके बारे में। तो यूपीए की मनमोहन सरकार ने साल 2013 में हर महीने 9,000 फोन कॉल्स तथा 5,000 ईमेल्स की निगरानी करवाई थी। RTI के जरिए हासिल की जानकारी में यह खुलासा हुआ है। हाल ही में मोदी सरकार ने देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 10 एजेंसियों को लोगों के निजी कंप्यूटर पर नज़र रखने का अधिकार दिया है। ठीक है, अब ये जो RTI दाखिल की थी ये 6 अगस्त 2013 में दाखिल की गई थी। ठीक है, प्रसेनजीत मंडल ने 6 अगस्त 2013 में RTI दाखिल की थी। इसके जवाब में गृह मंत्रालय ने कहा था कि यूपीए की केंद्र सरकार ने हर महीने 7,500 से 9,000 फोन कॉल्स और 300 से 500 ईमेल संदेश पर नज़र रखने के आदेश दिए थे। बताया गया कि मुंबई बम धमाके के बाद यूपी सरकार ने इस तरह के आदेश दिए थे। स्वामी अमृतानंद देवतीर्थ ने 24 दिसंबर 2013 को एक RTI लगाई थी। इसके जवाब में बताया गया कि इंटेलिजेंस ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय समेत 9 एजेंसियां भारतीय टेलीग्राफ एक्ट 1885 के तहत कानूनी रूप से निगरानी रखती थी। हाल ही में मोदी सरकार ने एक आदेश जारी कर 10 जांच एजेंसियों को देश के सभी कंप्यूटर पर नज़र रखने का अधिकार दिया है। इसका विरोध करते हुए कुछ ने कहा कि यह सच में घर घर मोदी है, जबकि कुछ विपक्षी दलों ने इसके आदेश की निगरानी सरकार कहा है।